प्यारे बच्चों, मैं कीर्ति आर्या, सहायक अध्यापिका, चंपा देवी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, कक्षा 11 तीव्र ज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, जो परिवेश आजकल है, हम उसमें अपने स्कूल नहीं जा सकते हैं, लेकिन पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए, इसी कारण हम लोगों ने एक ऑनलाइन कक्षा दी है और ये कक्षा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगी। इसी क्रम में आज हम सबसे पहले कक्षा 11 की पहला पाठ, जीवित ऊतकों की कोशिकीय बनावट, इस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। ये पाठ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई को प्रदर्शित करता है, समझाता है और उसके बारे में हमें जानकारी देता है। प्यारे बच्चों, जो शब्द कोशिका है, ये कोशिका शब्द हम लोगों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। इस शब्द के बारे में हम बहुत पूर्व कक्षाओं में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, परंतु जो चर्चाएं तब थी वो सीमित थी और आज हम क्योंकि बड़ी कक्षाओं में हैं, कक्षा 11 में हैं, तो इसके बारे में हमें बहुत विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए। इसका पूरा वर्गीकरण कैसे होता है, कोशिका क्या चीज़ है, इसको कैसे वर्गीकृत किया कैसे जाता है, इसके कार्य क्या क्या हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग इस पाठ में लेंगे। प्यारे बच्चों, कोशिका एक चमत्कारिक वैज्ञानिक संरचना है। वैज्ञानिक इसलिए क्योंकि इसकी जो संगठन है वो एक वैज्ञानिक तरह से कार्य करता है। चमत्कारिक इसलिए कि एक चमत्कारिक है जिसके बारे में हम भी नहीं जानते कि आखिर इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से, आखिर ये पहली कोशिका आई कहाँ से। तो बच्चों, सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक, अनेकों वैज्ञानिकों ने इसमें कार्य किया, अनेकों सिद्धांत प्रतिपादित किए, अनेकों इसके बारे में चर्चाएं की और उसमें से कुछ चर्चाएं जो हम जानते हैं, जो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सन 1965 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इसको कोशा नाम दिया था। कोशा का लैटिन शब्द होता है, इसका अर्थ होता है एक कमरा, छोटा कमरा, यानी इसको उन्होंने कमरे के रूप में देखा। परंतु इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक आए, इन्होंने इसको केंद्रक बोला। केंद्रक यानी जो केंद्र हो, किसी भी जीवन का केंद्र हो। इसके बाद साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ग्रे, इन्होंने इसे बोला कि ये जीवन की इकाई है, जीवन की इकाई यानी सबसे शुरुआती चीज़। अब बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो एक डॉट नुमा होता है, एक बिंदु नुमा होता है, परंतु 9 माह जब वो अपने माँ के गर्भ में रहता है तो पूरा कोशिकाओं का जो विभाजन होता है, जिसके कारण उसमें उसके आंतरिक अंग, बाह्य अंग, सारी संरचना पूरी बन जाती है और वो मानव आकृति ले लेता है। मानव के अलावा ये जानवरों में भी एक कोशिका होती है, उनकी उत्पत्ति भी इसी तरह से होती है। तो जीवन की उत्पत्ति तो हो जाती है माँ के गर्भ में, वो पूरी संरचना तैयार हो जाती है, लेकिन जन्म लेने के बाद इसका विकास होता है और ये बड़े रूपों में वृद्धि करती है और ये हमारे शरीर को एक निर्माण देती है, संरचना देती है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि हमारी जो कोशिका है इसका कार्य क्या क्या है। सारी कोशिकाएं एक जैसे कार्य नहीं करती हैं, सभी कोशिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए हम भिन्न भिन्न कार्य कर पाते हैं। मुंह खा पाता है, हाथ लिख पाता है और इसी तरह से पैर चल पाता है। ये सभी शरीर की जो रचनाएं हैं ये कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, लेकिन ये कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। ये सभी कोशिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग तरह से बनती हैं, अलग अलग इनके रचना होती है, अलग अलग इनके कार्य होते हैं। तो हमारे शरीर में भी इसी तरह से कई तरह की कोशिकाएं होती हैं। हम इनको अलग अगर और विभाजित करेंगे तो हम देखेंगे कि हम इनको मुख्य रूप से 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला है रक्त कोशिकाएं, दूसरा है पेशीय कोशिकाएं, तीसरा है अस्थि कोशिकाएं, चौथा है तंत्रिका कोशिकाएं, पांचवा है संयोजी कोशिकाएं और छठा है आच्छादक कोशिकाएं। प्यारे बच्चों, जब ये इनको अलग वर्गीकृत किया गया है तो इनके कार्य भी अलग अलग होंगे, इनकी बनावट भी अलग अलग होती। तो चाहिए अब जानते हैं कि इनको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं रक्त कोशिकाएं। प्यारे बच्चों, ये रक्त कोशिकाएं गोल होती हैं। इन रक्त कोशिकाओं को बहुत ज़्यादा, एक ऐसी कोशिका हमारे शरीर में है जो एकमात्र तरल कोशिका है, इसके अलावा जितनी कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं वो सभी ठोस रूपों में होती हैं। इनको हम अगर और बांटें, इनको और ज़्यादा समझने की प्रयास करें तो इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है लाल रक्त कोशिकाएं और दूसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं।
लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण ही इनका जो होता है रंग लाल होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं श्वेत होती हैं, सफ़ेद होती हैं, और इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, इन सबको हमारे शरीर में आने से रोकें और हमको स्वस्थ बनाए रखें, यानी बाह्य रोगों से, बाह्य आक्रमण से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। बच्चों दूसरा आता है पेशीय कोशिका भी हमारे शरीर के लिए कोशिका के बहुत महत्वपूर्ण कोशिका है। इसके भी कार्य बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये पेशीय कोशिका नहीं होगी तो हमारे शरीर में हमारा जीवन संभव नहीं होगा। वैसे तो ये सभी कोशिकाएं हम अपनी अपने स्तर पे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये कोशिका क्या करती है, हमारे शरीर की जो कोशिकाओं का निर्माण करती है वो ऐच्छिक कोशिकाओं का निर्माण करती है, अनैच्छिक कोशिकाओं का निर्माण करती है, और हृदय कोशिका, ये तीन भागों में इसको भी हम बांट सकते हैं। ऐच्छिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जब हम अपनी इच्छा से कोई कार्य करना चाहें, हम अपना हाथ हिलाना चाहते हैं, मस्तिष्क तक संदेश गया कि अपना हाथ हिलाइए, और कोशिकाओं ने आपस में संदेश वहन किया और हमारी कोशिकाओं ने कार्य कर दिया। तो ये इच्छा हमारी इच्छा पे होता है, हमारे शरीर के अलग भागों का मूव करना, उनका हिलना डुलना, ये सभी हमारी ये ऐच्छिक कोशिकाएँ करती। अनैच्छिक पेशियाँ, ये पेशियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे निरंतर जन्म से लेकर कार्य करना शुरू करती हैं और हमारी मृत्यु पे ही रुकती हैं। इनका रुकना हमारे लिए अच्छा नहीं है, यानी कि हमें मृत्यु प्राप्त हो सकती है। तो ये पेशियाँ बच्चों हृदय, हमारे शरीर में जो अंदर आंतरिक कार्य होते हैं, पाचन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया होती है, हृदय संचालित होता है, ये सभी कार्य हमारी अनैच्छिक पेशियाँ करती रहती हैं। इसके अलावा हृदय पेशियाँ बच्चों, हृदय पेशियाँ का निर्माण, हमारा जो हृदय का निर्माण होता है ये हृदय पेशियों से ही होता है, क्योंकि हमें पता है कि हृदय का धड़कना यानी जीवन का आधार, जीवन का मूल, तो हृदय अगर धड़क रहा है तो हम जीवित हैं। तो ये हृदय पेशियाँ हमारे हृदय का निर्माण करती हैं और हृदय के कार्य में सहायकता प्रदान करती हैं और हमको जीवन देती हैं। बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, अस्थि कोशिका हमारी अस्थियों में के निर्माण में सहायक होती हैं। ये अंदर से खोखली होती हैं और इसी में श्वेत रक्त कोशिकाओं एवं लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो कि हम इसमें रक्त कोशिकाओं में जान चुके हैं। इसके बाद है बच्चों तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। इनका जाल हमारे पूरे शरीर में बिछा रहता है, ये मस्तिष्क से लेकर हमारे शरीर के अलग अलग भागों तक जाती हैं। बच्चों जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि ये एक जो रेशा है ये बड़ा लंबा सा है, ये लंबा है क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क से पूरे अंगों को जोड़ता है। ये रेशे जो है ये जटिलता से हमारे शरीर के अलग अलग भागों पे बिछे रहते हैं, एक जालनुमा बनाते हैं, और सारी सूचनाएं जो हम सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, वो इन्हीं से संपादित होता है। अगर ये नहीं होंगी तो हमारे संदेश मस्तिष्क तक और शरीर के अलग अलग अंगों तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसके बाद बच्चों संयोजी कोशिका का मतलब होता है संयोजन करना, आपस में जोड़ना। ये कोशिकाएं हमारी जो हैं संयोजी कोशिकाएं, ये गोल होती हैं एवं लंबी भी होती हैं। ये कोशिकाएं सभी को, हमारे जो त्वचा है, त्वचा से मांसपेशियों को आदि को जोड़ती हैं। इसके अलावा आच्छादक कोशिकाएं, ये एकमात्र कोशिका है जो छपटी होती है और हमारे पूरे शरीर में रहती है। ये क्या करती है, हमारे शरीर के अंग को ढकती है, पूरी इसकी चादर नुमा बन जाती है और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने जाना कि कोशिका का इतिहास क्या है और कोशिका को किस तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। बच्चों ये कोशिका जैसा इसका एक संरचना है, ये कोशिका अपने आप में पूर्ण संरचना होती है, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है जो इसको सुरक्षा देती है और ये हमारे शरीर में सारे कार्यों को संपादित करती रहती है। प्यारे बच्चों अभी तक हम लोगों ने समझा जाना कि कोशिकाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और कोशिकाओं का इतिहास क्या है। अब इनको बाह्य रूप से देखने पे, बाह्य तरह से देखने पे हम इनको जान पाए हैं कि इनको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, लेकिन अब इनको हम इसकी आंतरिक संरचना जानने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे
एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र के अंतर्गत देखेंगे, नीचे देखेंगे तो इसकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमको ये अपनी आँखों से, नेकेड आँखों से, नंगी आँखों से दिखता नहीं है, इसको हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र के से ही देखना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर कोशिका है क्या चीज़। बाहर से तो हमने जान लिया क्या है, कैसी है, कैसे कार्य करती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसकी रचना कैसी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोशिका को तीन भागों में बांटा गया है। हमारी जो कोशिका है उसको तीन भागों में बांटा है। पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है जीव द्रव और तीसरा है केंद्रक। बच्चों, जैसे कि आप लोग ये चित्र देख रहे हैं, ये एक कोशिका का चित्र है। इसमें सबसे ऊपरी जो आवरण देख रहे हैं, इसी को हम कोशिका भित्ति कहते हैं या कोशिका झिल्ली कहते हैं। झिल्ली का, इस कोशिका का झिल्ली का क्या मतलब है कि ये हमारी कोशिका को एक आवरण देती है, एक कोशिका को संपूर्ण बनाती है, उसमें ऐसी विशेषताएं डालती हैं कि वो संपूर्ण हो जाए और उसकी विशेषताएं दूसरों तक, कोशिकाओं तक पहुंच पाए और वो विकसित हो पाए। ये कोशिका झिल्ली एक गाढ़ी जलीनुमा पदार्थ से बनता है जो गाढ़ा हो जाता है, और ये जो इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये छोटे छोटे छिद्र इसलिए होते हैं ताकि इसमें जो चीज़ें हमें इसके लिए आवश्यक हैं कोशिका के लिए, वो इसके अंदर जा सकें, और जो कोशिकाओं की मदद, दूसरी कोशिकाओं की मदद या किसी और कार्यों के लिए ये इस उपयोगी पदार्थ इस कोशिका के बाहर भी जा सके, यानी ट्रांसमिशन हो सके, आदान प्रदान हो सके, एक कोशिका से दूसरे कोशिकाओं में पदार्थों का आदान प्रदान हो पाए, इसलिए इस कोशिका आवरण पे, इस कोशिका झिल्ली पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब दूसरा भाग है बच्चों, दूसरा भाग होता है जीव द्रव। जीव द्रव जीव का आधार माना जाता है, जैसे कि हमने कहा जीव द्रव जीवन का आधार, ये द्रव नहीं होगा तो हमारी कोशिका का जो है जन्म नहीं हो सकता है। ये जीव द्रव मुख्यतः जल से बना होता है, सबसे बड़ा भाग इसमें जो होता है वो जल का होता है। इसमें करीब 66% जल होता है, प्रोटीन 16% होता है, वसा 13% होता है, कार्बोहाइड्रेट 6% होता है और खनिज लवण 5% होता है। तो इस तरह से हमारा जो जीव द्रव है, ये जीव द्रव एक गाढ़ा जलीनुमा भाग होता है जो सख्त होके, जो कड़ा होके आगे केंद्रक का निर्माण करता है, और ये केंद्रक के आगे एक झिल्लीनुमा बना देता है जिससे ये जीव द्रव और केंद्रक अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। अब जीव द्रव में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जीवन का आधार होता है, जीवन को पोषण देता है, जीवन के जो विकास वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा सहायक होता है। अब ये केंद्रक जो मध्य भाग इसको होता है, जैसे कि नाम से ही हमें प्रदर्शित हो रहा है, केंद्रक, केंद्र में होने वाली चीज़, ये केंद्रक भी एक लिसलिसे जलीनुमा होती है जो और ज़्यादा जीव द्रव से और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। ये जीव द्रव जो होता है इसके ऊपर एक अपनी लेयर चढ़ा लेता है, जिस कोशिका जो होता है ये अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेता है, झिल्ली चढ़ा लेता है, जिससे ये जीव द्रव से अलग हो जाता है, विभक्त हो जाता है, और ये केंद्रक यदि नहीं हो तो जीवन संभव नहीं होता है, क्योंकि कोशिका जो है मृत हो जाती है। अब इस कोशिका में कुछ भाग होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी विशेषताओं को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है, और हमारी जो बनावट है, शारीरिक बनावट है, हमारी संरचना है, हमारे रंग रूप है, उसको यही विशेषता प्रदान करता है। बच्चों, अब कोशिका की आंतरिक रचना हमने जान ली, इसका वर्गीकरण जान लिया, अब कोशिका के गुण क्या क्या हैं, आखिर कोशिका को क्या क्या गुण होता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। तो कोशिकाओं की विशेषताओं में हम जान सकते हैं कि कोशिका हमेशा वृद्धि करती है। जैसा कि पूर्व में ही मैंने बताया, जब मैं इतिहास बता रही थी तो मैंने आपको बताया कि एक बच्चा जब गर्भ में होता है तो एक डॉट नुमा होता है, एक बिंदु नुमा होता है, लेकिन उसकी संरचना नौमा में पूरी हो जाती है। तो उसी तरह से ये हमारी जो कोशिका होती है ये वृद्धि करती है, और वृद्धि के साथ साथ विभाजन करती है। एक जो 1 साल का बच्चा है उसको देखिए आप, और एक 12 साल के बच्चे को देखिए, उसकी शारीरिक संरचना तो एक जैसी होती है लेकिन लंबाई चौड़ाई आदि में वृद्धि हो जाती है। तो वो किस कारण होती है, क्योंकि ये कोशिका हमारी वृद्धि कर रही है एवं कोशिका विभाजन भी हो रहा है। विभाजन इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हमारा शरीर बढ़ता है एक उम्र के बाद, हमारे शरीर में अनेकों गतिविधियां होती हैं, अनेकों बदलाव होते हैं, वो इन्हीं कोशिका विभाजन के कारण
होता है। अब गतिशीलता, हमारी कोशिका गतिशील होती है, हमारी शरीर की में अंदर कोशिका जो होती है वो आपस में एक दूसरे से मिलती है या आपस में एक दूसरे से संयोजन करती है। श्वसन, तो बच्चों श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, हमारे शरीर में जो रक्त इधर से उधर जाता है, परिसंचरण करता है, उस रक्त में ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को ये अपने अंदर ग्रहण करता है और उसी से ये जीवित रहता है। अब भोजन की आवश्यकता, जैसे हम भोजन क्यों करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले ही जाना है कि हम अपने बॉडी को, अपने शरीर को पोषक तत्व देने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। तो जो ये पोषक तत्व हमें प्राप्त हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो पोषक तत्व इन्हीं कोशिकाओं तक पहुँचते हैं। अलग अलग तरह के पोषक तत्व जो हम ग्रहण करते हैं वृद्धि और विकास के लिए, जैसे हमने पढ़ा है कि वृद्धि के लिए अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं, विकास के लिए अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं, ऊर्जा के लिए अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं, तो वो पोषक तत्व इन्हीं कोशिकाओं तक पहुँचते हैं। ये जो रक्त हमारे शरीर में जो अलग जो भोजन हमने ग्रहण किया, हमने पढ़ा है कि ये भोजन हमें चाहिए होता है हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए, तो ये भोजन हमारी कोशिकाएं ग्रहण करती हैं ताकि हमें ऊर्जा प्रदान कर सके और हम अपने कार्यों को, आंतरिक एवं बाह्य कार्यों को संचालित कर सके। अब संवेदनशीलता, संवेदनशीलता इस तरह से हम जान सकते हैं कि हमें अगर चोट लगती है तो हमें दर्द होता है, वो अनुभव कैसे हुआ, इन कोशिकाओं तक भी वो अनुभव पहुंचता है, इसीलिए कहा जा सकता है कि इन कोशिकाओं में संवेदनशीलताएं होती हैं। इनको कष्ट होता है, ये आपस में हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो अलग अलग परिवेश में सिक्रीट करते हैं और वो सिक्रीट कभी डर का माहौल होता है, कभी खुशी होती है, तो वो संवेदनाएं इन्हीं कोशिकाओं से एक इस कोशिका से दूसरे माध्यम तक पहुंचती है। और जैसे कि हमने पूर्व में पढ़ा है स्नायु तंत्र मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, शरीर से जुड़ा हुआ है, तो ये सारी संवेदनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है और हम उसी के अनुरूप कार्य को करते हैं। अब जन्म और मृत्यु, कोशिका, जैसे कि हमने जाना कि जन्म हुआ, एक मूल रूप से एक कोशिका से इसका जन्म हुआ, उसके बाद ये विभक्त होती गई। जब ये कोशिका विभक्त होती है तो क्या होता है, जो कोशिका हमारी विभक्त हुई है वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस तरह से बढ़ते हैं, लंबे सूत्र हो जाते हैं, वो इस तरह से बढ़ते हैं कि दोनों कोशिकाओं में वो बराबरी से पहुंच जाए। इसीलिए हम कह पाते हैं कि हमारे जो गुण हैं वो हमारे बच्चों तक या हमारे पूर्वजों के गुण हम तक पहुंच पाते हैं और इसी कारण ये विभक्त होते जाते हैं और एक शरीर का निर्माण करते हैं। अब मृत्यु इस तरह से होती है, कभी कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है, जो मरती नहीं है, वो अगर क्षतिग्रस्त होती है तो वो फिर से बन जाती है। लेकिन ये स्नायु तंत्र जो होता है ये ऐसी है जो एक बार मृत होने के बाद दोबारा इसका उत्पन्न होना असंभव होता है, इसी कारण अगर इन कोशिकाओं पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है तो हम मृत्यु हो जाती है, हमारी ये कोशिकाएं दोबारा निर्माण नहीं कर पाती हैं और ये मृत हो जाती हैं। इस तरह से इनका जन्म भी होता है, इनकी मृत्यु भी होती है। इसके अलावा हम ये जान सकते हैं कि हमारी कोशिकाएं विभाजन करती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो विभाजन करते समय ये दो बराबरी से बढ़ जाती हैं ताकि जो विशेषताएं एक कोशिका में हैं वो दूसरी कोशिकाओं में भी पहुँच जाता है। ये संरचना अपने आप में पूर्ण होती है, लेकिन एक अकेली संरचना किसी कार्य को भी कर नहीं सकती, इसलिए इनको आपस में एक दूसरे से मिलके एक साथ कार्य करना पड़ता है। और इसी तरह से हम अपनी कोशिका को समझ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हमने जो प्राप्त की है वो इसी तरह से है कि हम इन कोशिकाओं को कैसे डिफाइन कर पाते हैं और ये हमारे शरीर में किस तरह से कार्य कर पाती। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने इस पाठ के बारे में पूरा चर्चा की कि कोशिका का इतिहास क्या है, कोशिका की बनावट कैसी है, कोशिका की आंतरिक बनावट कैसी है, कोशिका के कार्य क्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ऑनलाइन कक्षा पसंद आई होगी, इसमें आप लोगों ने अपनी जो चर्चा हुई है उसको समझा होगा। तो अब समझने के उपरांत अब इसको कार्य करना है हमें, तो उस कार्य के लिए हम आपको गृह कार्य देते हैं। इस गृह कार्य में आप लोग को दो प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है, कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें जो आप लोग वीडियो हैं इसको देख के फिर से अपना अवलोकन करके इसमें प्रयासरत करके इसको करिए। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कोशिका मानव शरीर की इकाई है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। अगली कक्षा में फिर से आप सभी के सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।